गाइस, दिस इज सुप्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के ओल्डेस्ट सिटी यानी वाराणसी का वर्चुअल टूर कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद डे वन इन वाराणसी। सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए जा सकते हो। यह मंदिर सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। विश्वनाथ टेम्पल में डिवोटीज के लिए टोटल 4 गेट है और ये उनमें से एक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली मॉर्निंग में जाइए क्योंकि दिन के समय यहाँ काफी भीड़ हो जाता है। यह विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर है, आप दर्शन करने के बाद यहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। विश्वनाथ टेम्पल के बगल में ही है नेपाली टेम्पल, अगर मन हो तो आप यहाँ भी जा सकते हो। दर्शन करने के बाद आप बनारस के घाटों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहे तो घाट घाट पैदल घूम सकते हो क्योंकि यहाँ सारे घाट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर बोट राइड के थ्रू भी सारे घाट देख सकते हो। यदि आप विंटर्स में बनारस जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बोट राइड जरूर लीजिए क्योंकि इस वक्त गंगा में बहुत सारे साइबेरियन बर्ड देखने को मिलेंगे जिसे नमकीन खिलाकर आप ढेर सारे अमेजिंग फोटोज वीडियोज या शॉर्ट्स ले सकते हो। घर से नहवा के आते हैं ना, गंगा में आते हैं, पहले बोलते हैं तब जलाते हैं। शंकर भगवान का श्राप इसीलिए बोलते हैं, जिसको नहीं मालूम है कथा शुद्ध करने के लिए, उनको तो घर से नहवा के लाते हैं। इसको आप जानकारी दे रहे हैं, इसको नाली में रख लीजिएगा। और जलाने वाला भी दूसरे घर पर नहाता है, यहाँ घर में कोई नहाता नहीं है, समझ गए। कहे कि जो मर के आएगा वही स्नान करेगा, इसलिए पहले बाड़ी आता पहले गंगा में डुबाएंगे तब भी जलाएंगे, बिना डुबाए जलाएंगे नहीं। ये शंकर भगवान का श्राप है। जलाने के पहले जो स्नान करते हो कहीं और घाट पर? दूसरे घाट पर, वो जो जलाने वाले रहते हैं, मुर्दा को आएंगे तो पहले यहाँ बोलेंगे तब भी जलाएंगे। और जाने लगे तो शंकर भगवान पार्वती जी ये भी कहें, जैसे हमारा शरीर जल रहा मरी गिरा कान का बारी गिरा, उसे चीता है 24 घंटा जलता रहेगा, उन्हीं के प्रताप से 24 घंटा जलता है। ये भी आप सुने होंगे ना, तो सुने हैं कि शंकर भगवान को 24 घंटा जलता है। यहाँ पे बोट वाले भैया हमें सारे घाट के नाम बता रहे थे और उन्होंने हमें यह भी बताया कि कैसे किसी घाट का नाम रखा गया है। ब्रेकफास्ट करने के लिए आप लक्ष्मी चाय वाला के पास जा सकते हो जहाँ आपको यहाँ का फेमस मलाइटो सिजेरियन और चाय मिलेगा। इसी एरिया में यहाँ का फेमस ब्लू लस्सी शॉप भी है जहाँ आपको 120 तरह के लस्सी मिलेंगे। मैंने यहाँ ट्राई किया ड्राई फ्रूट लस्सी जिसका प्राइस था 120 रुपीज। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मानसिंह ऑब्जर्वेटरी जा सकते हो जो दशाश्वमेध घाट के पास है। यहाँ पे सूर्य घड़ी एवं वर्चुअल म्यूजियम है। इसके बाद आप गदौलिया से स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग करने के बाद आप बनारस का फेमस काशी चाट भंडार से चाट ट्राई कर सकते हो। यहाँ का भीड़ देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह जगह कितना फेमस है। मैंने यहाँ ट्राई किया पालक पत्ता चाट, टमाटर चाट और पानी पूरी, जिसमें मुझे चाट काफी ज्यादा पसंद आया और मुझे पानी पूरी बस ठीक ठाक लगा। लंच करने के बाद आप लाल खान का टुम जा सकते हो जो गदौलिया चौराहा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बगल में ही है नमो घाट जो बनारस के बहुत से प्रसिद्ध घाटों में से एक है। नमो घाट में आपको बहुत से इवनिंग स्नैक्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, हालांकि मुझे वहां का फूड ज्यादा पसंद नहीं आया था तो मैं आपको वहां का फूड रेकमेंड नहीं करूंगी। डे टू में सबसे पहले आप जा सकते हो न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल जो BHU कैंपस में है। दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर ही ब्रेकफास्ट कर सकते हो। यहाँ आपको बहुत से फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने यहाँ ट्राई किया उत्पम जिसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था।
अगर आपको हिस्टोरिकल चीजें पसंद है तो आप यहाँ से रामनगर फोर्ट जा सकते हो, जो BHU कैंपस से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का निर्माण चुनार के बलवा पत्थर से किया गया है और आज भी शाही परिवार इस किले में ही रहता है। हालांकि वर्तमान समय में यह फोर्ट उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। रामनगर फोर्ट के बाहर है शिव प्रसाद लस्सी भंडार। कहा जाता है कि यहाँ हिंदुस्तान की सबसे गाढ़ी लस्सी परोसी जाती है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। अब आप यहाँ से वापस लंका एरिया लौटकर लंच कर सकते हो। लंका में ही रविदास गेट के ऑपोजिट पहलवान लस्सी शॉप है, जहाँ से आप मलाइयो ट्राई कर सकते हो। यह एक प्रकार का स्वीट डिश है जो सिर्फ सर्दियों में मिलता है। अब तक शाम हो चुका होगा, तो अब आप यहां से शाम की आरती देखने के लिए 80 घाट जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आरती स्टार्ट होने से लगभग आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि आरती देखने के लिए बहुत भीड़ रहता है। 80 घाट के अलावा दशाश्वमेध घाट में भी शाम की आरती होती है, लेकिन वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा भीड़ रहता है। अगर आपको भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो आप वहाँ की भी आरती देख सकते हैं। डे 3 में सबसे पहले आप भारत माता मंदिर जा सकते हो। यह मंदिर किसी देवी देवताओं को समर्पित नहीं है, बल्कि इसमें अखंड भारत का मानचित्र है, जिसे मंदिर के फर्श पर संगमरमर से बनाया गया है। इसके बाद आप सारनाथ जा सकते हो। यह देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह चौखंडी स्तूप है जो गौतम बुद्ध को समर्पित है। कहा जाता है कि यह स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ गौतम बुद्ध की 800 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ थाई टेंपल भी है। यह धार्मिक स्तूप है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यही से भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ भी मिला है, जिसे आज भी यहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ के म्यूजियम में कई शिलालेख एवं मूर्तियों का संग्रह है। यह मूलगंध कुटी विहार है, जिसे श्रीलंकन टेम्पल भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर यहाँ के दीवारों में भित्ति चित्र से बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है।